मेरे ऊपर कल पब्लिक टीवी में और एक दो चैनल के अंदर मेरे ऊपर इल्जाम डाला गया है कि IMA के अंदर जमीर अहमद खान ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ लिया करिए, यानी वो सरासर गलत है। मैंने एक मेरी क्लियर कट प्रॉपर्टी रिचमंड टाउन के अंदर थी, वो बॉलिंग बॉयज के पीछे, वो प्रॉपर्टी मैंने IMA को बेचा था। वो प्रॉपर्टी दिसंबर 17 तारीख को उनसे 9 करोड़ चिल्लर में धंधा होकर 5 करोड़ रुपए एडवांस लिया गया। RTGS मेरे अकाउंट में RTGS आया, यानी इलीगल कोई नहीं। उसके बाद मई के अंदर ये जो बैलेंस पैसा था 4 करोड़ 30 करोड़ 6 लाख रुपए देके ये सेल डीड रजिस्टर हुआ है, यानी प्रेस के अंदर, माध्यम के अंदर, एक लोकल चैनल्स के अंदर, पब्लिक टीवी और एक 2-3 सुवर्णा चैनल के अंदर जमीर अहमद खान ने उनसे पैसा ले लिया, पब्लिक का पैसा, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5 करोड़ पैसा लिया। ये सरासर गलत है। ये पैसा मैंने मेरी प्रॉपर्टी बेचकर रिचमंड टाउन के अंदर 14,800 स्क्वायर फीट, छोटा मोटा नहीं है, आज की वैल्यू लगभग 20 करोड़ होंगे। बॉलिंग बेस के पीछे आप ही अंदाजा लगाना उसका, बॉलिंग बेस के पीछे कितना रहेगा, कम से कम अभी उसकी वैल्यूएशन निकाले हम लोग, अभी कल पूरा प्रॉपर्टी उसका निकाले, उसमें 10-12 प्रॉपर्टी उसके नाम पे था, उसमें एक प्रॉपर्टी था, इसकी वैल्यू 35 करोड़ का रखा है, यानी मैंने दिया 10 करोड़ 9 करोड़ 36 लाख को। ये माध्यम के ऊपर हमारे के ऊपर एक भरोसा भी है और एक चाहत भी है, एक अटैचमेंट भी है और विश्वास है कि प्रेस वाले कभी गलत अखबार नहीं देंगे करके, तो उनसे मेरे आजीदानों को गुजारिश दो नहीं करके नहीं मैं डिटेल लो। आप कोई भी गेस करके, कोई बोला करके ऐसा ये नहीं करो, एक दिन दो दिन दिखा तो ठीक है, 3 दिन से दिखाते आ रहे। रिलेशनशिप मंसूर अली खान के साथ नहीं, हमारा रिलेशन नहीं था, ये IMA ग्रुप आके 13 साल हो गया, 13 साल 2017 दिसंबर से पहले ना खत कभी मैं उनसे मिला, ना कभी देखा, कभी ये किया, और उनके खिलाफ ही था मैं, क्यों ये पब्लिक का पैसा लेते हैं। मैं हर जगह DGLD के अंदर जिधर प्रोग्राम में जाता, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी गरीब लोग, बहुत से गरीब लोग पैसा डाले थे, हमारा गोरी पाड़ा बोलते हो, JJ नगर गोरी पाड़ा में मेरे भाषण में 2-3 टाइम बोलो ये फ्रॉड कंपनी है, मेहरबानी साहब पैसा मत डालो उधर, कभी ना कभी कंपनी डूबेगा। ये 2017 में जब मेरे को मिला तो, यानी इसके पहले 12 साल से कंपनी चल रहा था, तो वो एक्सप्लेन किया, भाई आप मेरे को गलत समझ गए थे, ये दो उसके बाद मेरे स्कूल्स है, मेरे मेडिकल शॉप्स है, प्लस क्या मॉल खोला हूँ किधर, ज्वेलरी शॉप है, मैं एक अच्छा धंधा कर रहा हूँ। हमने भी भरोसा किया, भाई हो सकता है कि इतने साल से कर रहा है, अभी तो कुछ गलती में नहीं आया आदमी, शायद हो सकता है कि सही धंधा कर रहा करके ऐसा। ये दिसंबर 2017 के अंदर मैं जब उनको प्रॉपर्टी सेल किया 9 करोड़ 30 करोड़ 6 लाख में, 11-12 यानी 11 दिसंबर को मेरे अकाउंट में RTGS किया गया है, RTGS 5 करोड़ रुपये। ये सेल डीड 5/6/2019 के अंदर जो बैलेंस पैसा लेकर मेरा 4 करोड़ चिल्लर, वो सेल डीड बना के दिया हूं मैं, 9 करोड़ 38 लाख टोटल अमाउंट, उसके अंदर 5 करोड़ दिया गया था, सेल डीड के टाइम पे 4 करोड़ 38 लाख रुपए देके 5/6/2019 को ये सेल डीड बना के उनके नाम पे, प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है। ये गलत अफवाह है कि जमीर अहमद खान ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ ले लिया, ये सब सरासर गलत है। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मिले उसका, ये पब्लिक का पैसा है, 1:10 देने के लिए तैयार है, वही कितना 1:10 पब्लिक का पैसा है।